नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी में 7 चरणों में मतदान, 14 जनवरी से नामांकन, 10 मार्च को परिणाम। खादी इंडिया का कमाल, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च। पूर्वांचल के किन जिलों से कृषि उत्पादों का होगा निर्यात, जिसकी एपीडा ने की पहचान। उत्तर प्रदेश को मिलेगा पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का तोहफा, जानिए क्या होगा खास। फरवरी में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर, कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिक ने किया दावा। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में 18वीं विधानसभा के लिए 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किन जनपद में किस विधानसभा सीट पर किस तारीख पर होगा मतदान, बताते हैं आपको। प्रदेश में 7 चरणों में होगा मतदान, 14 जनवरी से शुरू होगा नामांकन। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव, यूपी में 14 फरवरी को दूसरे चरण का चुनाव, वहीं तीसरे फेज का चुनाव 20 फरवरी को, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को, पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को, यूपी में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को, सातवें चरण का मतदान 7 मार्च को, 10 मार्च को परिणामों का ऐलान होगा। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है, यानी चुनाव आयोग को यकीन है कि चुनाव सही तरीके से संपन्न होगा। वैसे अगर आप अपने क्षेत्र की सूचना या समस्या चुनाव आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप सी विजिल ऐप की मदद ले सकते हैं। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 212 तक राज्य विधानमंडल और विधानसभा यानी दोनों सदनों के गठन, कार्यकाल, नियुक्तियों, चुनाव विशेष अधिकार एवं शक्तियों की व्याख्या की गई है। इस बार यूपी विधानसभा में करीब 15.02 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 8.04 करोड़ पुरुष तो वहीं 6.98 करोड़ महिला मतदाता हैं। वहीं थर्ड जेंडर 8,853 मतदाता भी वोट डालेंगे। इस बार मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 52.80 लाख मतदाता जुड़ गए हैं, जबकि 21.40 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की। देश में मीठी क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खादी इंडिया ने शहद की मोबाइल प्रसंस्करण यूनिट शुरू करने की अनोखी पहल की है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरौरा गाँव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। ये पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। मीठी क्रांति क्या है, आइए बताते हैं। मीठी क्रांति ये वो क्रांति है जो शहद का उत्पादन बढ़ाकर लाई जानी है। इसके जरिए किसानों को देश और विदेश में ग्राहक देखकर उनकी जेब में ज्यादा पैसे डालने की तैयारी है। देश में सालाना 1.10 लाख टन शहद का उत्पादन होता है। अगले 5 साल में इसे डबल करने की योजना बनाई गई है। इस समय लगभग 10,000 रजिस्टर्ड किसान 15 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनी बनाकर शहद उत्पादन कर रहे हैं। दुनिया भर में हम शहद बनाने वालों में टॉप 5 में है। इसे तेजी से बढ़ाने का काम चल रहा है। ये वैन जांच प्रयोगशाला से भी सुसज्जित है, जो तत्काल शहद की गुणवत्ता की जांच कर सकता है। खास बात यह है कि इस मोबाइल वैन का डिजाइन 15 लाख रुपए की लागत से केवीआईसी ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजीखेड़ा में तयार किया है। शुक्रवार देर शाम यहां आयोजित लॉन्चिंग समारोह में मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन केवीआईसी के शहद मिशन की यह बड़ी उपलब्धि है। इस मिशन का उद्देश्य मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देना है, किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करने और गांव के शिक्षित और बेरोजगार युवकों को मधुमक्खी पालन की गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता करना है। वहीं मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये मधुमक्खी पालकों के शहद का प्रसंस्करण उनके द्वार पर ही करेगी। इससे समय और प्रसंस्करण की लागत में बचत होगी। जहां ये मधुमक्खी पालन को छोटे मधुमक्खी पालकों के लिए अधिक लाभदायक बनाएगी, वहीं शहद की शुद्धता और सर्वोच्च गुणवत्ता मानकों का रखरखाव भी करेगी। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की। वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले एपीडा ने शुक्रवार को कहा कि उसने वाराणसी कृषि निर्यात केंद्र के दायरे में लाए जाने वाले उत्तर प्रदेश के संभावित जिलों की पहचान की है, ताकि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने VAEH के विकास के माध्यम से राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहल की है।
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली और संत रविदास नगर जिले आते हैं। बयान के अनुसार पिछले 6 महीनों में पूर्वांचल क्षेत्र से 20,000 टन कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है। इसके मुताबिक इसमें करीब 5,000 टन ताजा फलों और सब्जियों तथा 15,000 टन अनाज का वियतनाम, खाड़ी देशों, नेपाल और बांग्लादेश को परिवहन के सभी माध्यमों से निर्यात किया गया है। किस तरह निर्यात बढ़ा है, आइए आपको बताते हैं। दिसंबर 2019 में वाराणसी से दुबई के जेबल अली पोर्ट के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने 14 टन हरी मिर्च के पहले प्रशिक्षण शिपमेंट के निर्यात की सुविधा प्रदान की गई थी। इसके बाद बनारस से 3 टन ताजी सब्जियां, लंदन को 3 टन आम, दुबई को 1.2 टन आम, लंदन को 520 टन बनारस से सांभा चावल, कतर को और 80 टन चंदौली का क्षेत्रीय काला चावल 2020 में कोविड महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया था। चावल निर्यात में रिकॉर्ड बना रहा है भारत। ये बताना जरूरी है कि भारत में हाल ही के वर्षों में कृषि उत्पादों से निर्यात में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस साल भी चावल के निर्यात में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 7 महीनों में एक्सपोर्ट में 33% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की। उत्तर प्रदेश को राज्य का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मिलने जा रहा है। बीते दिनों गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास किया। यहाँ क्या कुछ खास होगा, आइए आपको बताते हैं। इस इंस्टीट्यूट में 400 से अधिक छात्र छात्राओं को पढ़ाने की व्यवस्था होगी। डिप्लोमा से लेकर बैचलर एवं मास्टर डिग्री के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। शहर के होटलों के साथ इस संस्था का अनुबंध भी होगा। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित इस संस्था में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कम खर्च पर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। मानव संसाधन विकास विभाग ने अपनी मंजूरी देते हुए 16.50 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इसमें 10 करोड़ रुपए बिल्डिंग निर्माण, 2.50 करोड़ रुपए उपकरण खरीद और 4 करोड़ रुपए हॉस्टल निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी खबर की। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें यूपी भी कहीं से पीछे नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हर दिन 4 से 8 लाख तक के मामले सामने आ सकते हैं। ऐसा कानपुर IIT के सीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल का गणितीय आंकड़ा कहता है। दरअसल IIT कानपुर के सीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल ने अध्ययन के आधार पर कहा है कि केस बढ़ने पर स्थानीय लेवल पर अस्पतालों में बेड की कमी भी हो सकती है। इस दौरान पीक के समय देश में संक्रमित होने वालों की तुलना में 1.5 लाख बेड की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इससे पहले प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा था कि पीक के दौरान रोज देश में 2 लाख तक केस आएंगे। वहीं उन्होंने कहा पहले दक्षिण अफ्रीका में आ रहे केस के आधार पर भारत के संक्रमण फैलने की रफ्तार का आकलन किया गया था, लेकिन अब जब देश में संक्रमण फैलने की शुरुआत हुई तो मॉडल में आंकड़े बदल गए हैं। फिलहाल देश में संक्रमण फैलने की रफ्तार दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले कई गुना तेज होगी। इसके लिए आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। देश में 22% किशोरों की मिली कोरोना की पहली डोज। गौरतलब है कि देश में बीते दिनों कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार पहुंच गया, जहां से 15 से 18 साल के किशोरों के लिए 3 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान में अब तक 22% से ज्यादा किशोरों को पहली डोज दी जा चुकी है। साथ ही 91% से ज्यादा लोगों को पहला वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 91% वयस्कों को टीके का कम से कम एक डोज लग चुका है, जबकि 66% लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। अगर बात उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति की करें तो 12,327 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें 25 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। ऐसे में स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, मास्क को नाक के नीचे नहीं ऊपर रखें और देखते रहें बातें यूपी की। ऐसी तमाम नई जानकारी के साथ अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।